नमस्कार दोस्तों, मैं आरजेएमटी से मोहित कुमार शर्मा आज आपके बीच में पेपर इंडस्ट्रीज़ में मुजफ्फरनगर अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स में पेपर मिल्स में आए हुए हैं। और सर हम बता दें 1998 से हमारी कंपनी पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रैक्टर पे अटैचमेंट दिए हैं, जैसे बैकहो लोडर्स, पेपर ग्रैब, फॉर्कलिफ्ट इत्यादि मशीन हमने पेपर इंडस्ट्रीज़ को दी है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कंपनी ने फुल फ्लैश डेडिकेटेड मशीन बनाई है पेपर ग्रैब लोडर्स। सर मैं बता दूं इसमें खास बात क्या है, इस मशीन में खास बात क्या है, इसमें किर्लोस्कर का इंजन दिया है 4 सिलेंडर, जो सीरीज आती है 4R810N82, ये सीरीज आती है किर्लोस्कर के, और करारों के ट्रांसमिशन के साथ हमने ये फुल फ्लैश मशीन बनाई है। जो मैं बात करूँ फैब्रिकेशन की, फैब्रिकेशन आरजेएमटी कंपनी का फुल फ्लैश फैब्रिकेशन है, पूरा डेडिकेटेड मशीन आरजेएमटी की ये लॉन्च किया है पेपर इंडस्ट्रीज के लिए। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं, लोडर आराम में बड़ी अच्छे हैवी क्वालिटी के साथ हमने ये बनाई है, और ये हमारे जो पेपर ग्रेड बात करूँ बकट की, हैवी ड्यूटी के साथ में हमने ये बकट बनाई है, और इसमें जो जा ये जो मैं जा की बात कर रहा हूँ इसकी, इसमें आप लूज मटेरियल्स, आपका बेल्स, जो बेल्स होती है 1 टन वो आराम से उठा सकते हो। जो मैं इसकी डंपिंग हाइट की बात करूँ, इसकी डंपिंग हाइट 10 फीट है, फ्रंट एक्सल है, और जो इसमें ये पावर स्टीयरिंग में फ्रंट एक्सल हैवी है सर, मैं आपको बता दूं जो करारो ट्रांसमिशन है टॉर्क कन्वर्टर के साथ में है, और जो ये एक्सल है करारो एक्सल है, इसमें 50 HP से लेके 105-110 HP तक करारो कंपनी इसको यूज़ करती है एक्सल को। मैं बात करूँ काउंटर वेट की, सर ये काउंटर वेट हम इसलिए देते हैं कि वर्किंग टाइम में स्लिपेज ना आए। इसमें बहुत हैवी क्वालिटी के साथ आरजेएमटी कंपनी ने ये काउंटर वेट लगाया हुआ है। ये टायर साइज की, जो फ्रंट टायर है 8/25/16 का है, बीकेटी कंपनी का है, और जो रियर एक्सल की बात करें इसमें अपना 16/9/28 का हमने टायर लगाया है। मैं इसको ऑपरेट करके आपको दिखा देता हूँ। रिवर्स और फॉरवर्ड जो तेज है करारो ट्रांसमिशन के साथ ही मशीन है सर, ये लीवर है सर, जो ड्राइवर की कंफर्ट जोन के लिए ड्राइवर की सीट के लिए कंफर्ट जोन के लिए जैसे ये लीवर है, तो आप करोगे अप और डाउन करने के लिए, ये जो लीवर दिया हुआ है ये जा को ओपन और क्लोज करने के लिए दिया हुआ है, कंफर्ट जोन ड्राइवर को बिल्कुल कंफर्ट जोन महसूस दे उसके लिए डिलेक्स कैनोपी दी हुई है आरजेएमटी कंपनी ने। काफ़ी फुल फ्लैश कंपनी ने जो मशीन अपने पेपर इंडस्ट्रीज के लिए दी हुई है अग्रवाल डुप्लेक्स पेपर मिल में। और जो मैं इस मशीन की फीडबैक की बात करें तो यहाँ के आदमी से बात करते हैं हम। नमस्कार सर, आज हम अग्रवाल डुप्लेक्स पेपर मिल में आए हुए हैं मुजफ्फरनगर में। ये आपका शुभ नाम सर? राहिल। राहिल जी, मोहम्मद राहिल। मोहम्मद राहिल जी, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो? मेंटेनेंस में काम करते हो आप। आरजेएमटी का जो अटैचमेंट है कब से यूज़ कर रहे हैं आप? 2008 से यूज़ कर रहे हो आप। इसमें मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी में है मशीन आरजेएमटी की, जो ट्रैक्टर लोडर्स हैं? मशीन बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। कितनी मतलब कितनी संख्या है मशीन की यहाँ पे? संख्या तो यहाँ काफ़ी है जी, 4-5 मशीन आप चला रहे हो? हाँ जी, 4-5 है हमारे मिल ये आरजेएमटी मिल में भी। अच्छा, 4-5 मशीन आप चला रहे हो। आप मेरे को ये बताइए सर, जो आप 2000 कब से यूज़ कर रहे हो मशीन आरजेएमटी, जो ट्रैक्टर अटैचमेंट है कब से यूज़? 2008 से। क्या कंप्लेन आई, कैसी सर्विस है सर आरजेएमटी की? सर्विस बहुत अच्छी है, सर्विस अच्छी है, आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में हो बिल्कुल आरजेएमटी की तरफ से ना? आरजेएमटी की बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस है, कंप्लीट करते हैं तो मात्र तुरंत कार्रवाई हो। अच्छा सर, मैं बताऊं जैसे आपने 8 से 10 दिन में अपना डेमो लिया अपना पूरा डेडिकेटेड मशीन का, तो उसका क्या रेस्पॉन्स है, क्या तो आपका अटैचमेंट में और डेडिकेटेड मशीन में, क्या इसमें आप दोनों में क्या कम करोगे? अच्छी चीज़ है जी, बहुत नई टेक्निक के साथ अच्छी, बहुत पावर अच्छा चीज़ है जी। उसमें क्या मेंटेनेंस आता था जो ट्रैक्टर अटैचमेंट वाली थी, और ये आपने डेडिकेटेड मशीन चलाया? ट्रैक्टर जैसे ट्रैक्टर में आपने लोडर चलाया पेपर ग्रैब लोडर चलाया, उसके लिए आपको साल भर में कितना मेंटेनेंस आता था ट्रैक्टर में?
डायट्रोमो जैसा आ जाता जी, कोई डायट्रोमो तो 50,000 का कम से कम। जैसे ये है तो इसमें मतलब कलच का सिस्टम नहीं है, करारो ट्रांसमिशन टोर कन्वर्टर के साथ में ये मशीन है, तो इसमें मैक्सिमम 50-60 हज़ार आपका सेविंग हो जाता है। हाँ जी, लाख रुपए कलच के बचा गया, कलच जुड़ेगा तो वो कलच कलच का आपका सेविंग हो जाता है। तो आपने जैसे मतलब चलाई तो क्या आपको बेनिफिट्स हैं इसमें, क्या क्या कितना सेविंग कर सकते हो आप उसमें? चलाने में बहुत अच्छी है, ऑपरेटर को बहुत सुविधा है चलाने में। जी जी, ऑपरेटर जो 8 घंटे चलाते हैं, 12-13 घंटे आराम से चला। अच्छा अच्छा, जो अटैचमेंट को 7-8 घंटे ऑपरेटर चलाता है वो इस मशीन को 10-12 घंटे स्मूथली तरीके से चला सकते हैं। 4-5 घंटे फालतू चलाता है, 4-5 घंटे फालतू। थकान, सीट का क्या कहोगे, जैसे कम्फर्ट जोन में सीट है तो फिर घूमती है आगे पीछे होती है। अच्छा अच्छा, जो हमने हाइड्रोलिक लीवर दिए हुए हैं हाइड्रोलिक वाल्व के, उसमें आप क्या क्या कर रहे हो? बहुत सही दिए, बराबर में दिए, अन्य ऊपर हाथ रहा हो हाथ खोलो, इसमें इसमें कंफर्ट जोन में होगा। ठीक है, नमस्कार। सर मैं बात करूँ हाइड्रोलिक टैंक की, कंपनी ने हाइड्रोलिक टैंक दिया हुआ है, 80 लीटर का हाइड्रोलिक टैंक है, जो फिलअप करके देते हैं वो 75 लीटर फिलअप करके देते हैं। ठीक है, और आइए सर मैं आपको दिखा देता हूँ। रियाल भाई से जो मेंटेनेंस देखते हैं अग्रवाल मिल में, उसमें हमने बातचीत की तो उनका फीडबैक ये है अटैचमेंट से ये प्लस है, इसका मेंटेनेंस कम है, टोर कन्वर्टर के साथ में क्लच का सिस्टम नहीं है, इसमें बड़ी कंफर्ट जोन महसूस किया। और उनकी अच्छी बात क्या लगी हमें, उनकी अच्छी बात ये लगी कि जो ड्राइवर अटैचमेंट ट्रैक्टर लोडर अटैचमेंट को 5-6 घंटे चला सकता है, उस मेंटेनेंस अधिकारी का ये कहना है कि इसको जो अपना ड्राइवर है उसको मैक्सिमम इसको 4-5 घंटे एक्स्ट्रा चला सकता है। इसलिए ये बेनिफिट्स के साथ में आरजेएमटी कंपनी ने मशीन लॉन्च की है, किसी पेपर इंडस्ट्रीज में किसी बाइक को या कॉन्ट्रैक्टर को या ठेकेदार को किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो पेपर ग्रैब लोडर के लिए तो वो संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540520663। एक बार मैं रिपीट कर दूँ, 9540520663। आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भी किसी भी पेपर इंडस्ट्रीज में ऑल यूपी, ये नंबर आप पेपर इंडस्ट्रीज के लिए 9540520663। आप कोई रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडस्ट्रीज में तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।